अच्छा दादा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. मैं ऐसे एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर समझो आपको वेट लूज करना हो अपना तो क्या करते हैं आप? मतलब खाना कम कर देता हूँ. अच्छा जिम जाते हैं? पहले जाता था अब नहीं. नहीं लेकिन दादा आई मस्ट टेल यू पूरे हिंदुस्तान को मैं बता देना चाहता हूँ कि घर बैठे बैठे वेट लॉस हो जाएगा आपका. जैसे? जैसे ये देखिए आप बहुत ही ग्रेसफुली ट्रांजिशन एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट पे जाते हो और आपने चार बीट्स ब्रेक किए वहां पे टक पक पक टक टक. एक सीजर कैची होती है ना रणा रणा वो एक शेक. कहाँ पे ग्रेस है कहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन है. मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज वो एक रजिस्टर लॉक टॉप क्लास. गाना बंद कर दे तो भी म्यूजिक समझ में आ जाता है जब आप डांस करते हो सुमित और मैं जब बात करती हूँ. जो ये आपका एक लैडर सर्कुलर लैडर था स्वराली आपके पूरे परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से आपने उसको यूज किया. यू लाइक अ क्ले स्वराली. एनर्जी हाई एनर्जी लो ग्रेस फोर्स एक्सप्रेशन. आप पूरे गाने की कहानी भी बता सकते हैं. हाँ, चाहे उसके बाद अब वापस पानी शुरू हो गया. फुआरा निकल रहा था पानी का फुआरा. सॉरी यू हैव टू कीप योर हैंड्स डाउन. दादा माय गॉड दादा इसे हम देना चाहेंगे नाम माउथ कार्डियो. माउथ कार्डियो और हाथों का इस्तेमाल करके बैठे बैठे आप ऐसा कमाल का. तुम जो कहना चाहते हो कि छोटा सा टैलेंट को लेके फिर अंदर डाल के जो कट करके जो जिस तरह से आप टैलेंट को बाहर लेके अंदर करते हो इसी को आप माउथ कार्डियो कहते हैं. थैंक यू बट वेरी नाइस रियली. मैं देख रहा था मतलब अब जब क्लीनली देखने लगे तो देखो कितनी छोटी सी आपके चेहरे का एक्सप्रेशन वो जो बारिश का आना और छोटी सी चीज को उलट के पलट के आपके टैलेंट को बाहर ला उसके बाद चा 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 चा. नहीं मतलब ऐसा नहीं लगता दादा जब भी बात करते हैं ऐसे जनरेटर शुरू हो रहा है. कभी कभी मास्टर फिरोज को है ना ऐसे फिरोशियस परफॉर्मेंस नहीं देना रहता लेकिन अपने एंड के डायलॉग में बोलती है माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. वहां से फिरोशियस एक बार लगा मेरे को ऑडिशन देखा ला और आप ऐसा हाथ ऐसा लगा. हाँ वहां पे वो जानबूझ के करती जहां लास्ट कमेंट से थपाक वहां से फिरोशियस परफॉर्मेंस फिरोशियस. अरे वो अपना दर्द दिखा रहे मास्टर फिरोज यार आप फिरोशियस परफॉर्मेंस करा लेते हो उसे. एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब भी इन बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा है हर एक के परफॉर्मेंस में और हर एक के परफॉर्मेंस ने मेरे दिल में घर बना दी और इसके वजह से कभी भी यहां से बात नहीं की हमेशा दिल से बात की. यू ऑल आर फैंटास्टिक. जो थे दे आर फैंटास्टिक. गॉड ब्लेस यू एंड मे यू अचीव मोस्ट अमाउंट ऑफ सक्सेस. और वैसे मास्टर्स एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि जब डांस इन डांस सीजन 4 का यू नो शुरुआत हो रही थी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए हमने एक इंसान को यहाँ पे बुलाया था और जब बुलाया तो हमने सोचा कि बहुत कुछ बोलेंगे बट ऑल थैंक्स टू ऑल थ्री उन्हें कुछ बोलने का अभी मौका नहीं मिला. कौन? हाँ कौन ये देखिए जोरदार तालों से स्वागत कीजिए. चलो आगे चलो रेडी स्टैंड बाय एक्शन. मुझे सोचने दो तो मैं क्या बोलूंगा यार. अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि सबने सब कुछ कह दिया. मुझे ये कहना है कि मैं क्या बोलू क्या नहीं बोलू एंड मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए. ओ माय गॉड ओ माय गॉड. बाकी लोगों ने सब कुछ कह दिया कहने के लिए कुछ रहा नहीं
God bless you. और क्या बोल सकता हूँ मैं? तो मैं क्या कह रहा था? मतलब ये क्या बताऊँ? मेरे पास लव्स नहीं है भाई. Grandmaster, आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए आज कि अब मैं क्या कहूँ यार? मेरे पास कोई लव्स नहीं है. That's it, buddy. क्या बात? That's it, buddy. That's क्या बात है? डांस के सबसे बड़े मंच पर रखने इस धमाल का सिलसिला बरकरार. बहुत जल्द आ रहे हैं डांस के बाप, क्योंकि शुरू हो रहा है डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर सीजन 3. 1 मार्च से. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग द ऑडिशन, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो हमें इतना बेहतरीन परफॉर्मर नहीं मिलता आज. थैंक यू सर. यू आर हार्दिक. इतने प्लेजेंटली, माइंड बॉगलिंगली, stupendo, fantabulously, phantasmagorically, magical dancer हुआ. Thank you.